हेलो मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन क्वेश्चन अब चैनल में। आज है 20 नवंबर। चलिए देखते हैं बिहार के सभी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस और बिहार के बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, साथ देखेंगे शिक्षागत से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें एक नज़र। दोस्तों सबसे पहले देख पा रहे बीपीएससी की तरफ से अपडेट आई है। 68वीं बीपीएससी पीटी में तुक्का लगाना पड़ेगा महंगा। जी दोस्तों, बात करें नेगेटिव मार्किंग यहां पर देख पा रहे होने वाली है। 281 पोस्ट पर दोस्तों यहां पर बहाली होगी। देख पा रहे 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक मांगा गया आवेदन। वही पर आगे बढ़े दोस्तों यहाँ पर 67वीं मेंस के लिए 21 से 6 दिसंबर तक आवेदन। दोस्तों अगली बार बात करें सरकारी एमबीबीएस के 1121 सीटों व डेंटल के 30 सीटों पर होगा एडमिशन। मेडिकल की 85% सीटों पर सेकेंड राउंड का नामांकन 25 से 28 नवंबर तक। वही बात करें दोस्तों देख पा रहे बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा देख पा रहे यहाँ पे एमटेक में एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट और एडमिशन तिथि जारी कर दी गई। एडमिशन 25 से 27 नवंबर तक होगा। उधर इग्नू का दोस्तों स्थापना दिवस कार्यक्रम यहाँ पे पूरा हुआ। उसी साथ दोस्तों आई यहाँ पे देख पा रहे हो वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2023 का परीक्षा कार्यक्रम जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है दोस्तों देख पा रहे हो वो गलत है। पर पा रहे यहाँ पे 22 फरवरी तक, यहाँ पर 14 फरवरी से जिसमें आपको मैट्रिक एग्जाम शुरू है। दोस्तों भी आगे अपनी पढ़ने की जारी, यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्रामर सहित अतिरिक्त पदों 21 पौधे इस पर इंटरव्यू दोस्तों होगा 22 से 24 नवंबर को लास्ट डेट अप्लाई कर सकते हो। एएनएम की 1200 पद पोस्ट है, लास्ट डेट अप्लाई करने का 12 दिसंबर तक। उधर बात करें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में 34 पोस्ट है, लास्ट 16 दिसंबर अप्लाई कर सकते हो। बिजनेस ऑफिसर का दोस्तों 33 पोस्ट है, लास्ट 25 नवंबर तक। दोस्तों देख पा रहे अगली अपडेट आई है यहाँ पे 10वीं पास आईटीआई करने वालों का अब स्नातक में सीधे दाखिला। देख पा दोस्तों ये फैसला ली गई। दोस्तों आगे बात करें प्रदेश में शिक्षकों के देख पा रहे 3.38 लाख पद खाली है, पर उतनी संख्या में सीटेट व एसटेट देख पा रहे पास अभ्यर्थी नहीं है। वही बात कर देख पा रहे जल्द होगी दोस्तों यहाँ पे शिक्षक बहाली। दोस्तों एडमिशन अलर्ट पढ़ने को जरिए एक बार एमटेक में एडमिशन यहाँ पे दोस्तों आप सभी का 25 से 27 नवंबर तक होगा। वही बात करें बीबीए बीसीए में दोस्तों निःशुल्क दाखिला यहाँ पे हो रहा है अंबेडकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में प्रोफेशनल ट्रेनिंग देख पा रहे पे कॉलेज में। वही बात करें दोस्तों देख पा रहे इग्नू का स्थापना दिवस यहाँ पे देख पा रहे दोस्तों मनाया गया। इसी के साथ देख पा रहे नेशनल वेबिनार का भी आयोजन हुआ परफॉर्मेंस कॉलेज में। आई इसी के साथ कुछ जॉब अपडेट्स ले लीजिए। औद्योगिक प्रशिक्षण पदाधिकारी की भर्ती दोस्तों 711 पोस्ट लास्ट डेट यहाँ पर देख पा रहे अप्लाई करने की है 2 दिसंबर तक। उधर भारतीय सेना में टीजीसी की पद पर भर्ती 40 पोस्ट दोस्तों लास्ट डेट 15 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हो। वही बात करें दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट देख पा रहे मेडिकल का नामांकन को लेकर सेकेंड राउंड के तहत एडमिशन जारी लिस्ट जारी हुई। 25 से देख पा रहे एडमिशन यहाँ पर दोस्तों 28 नवंबर तक आप ले सकते हो। और उसी के साथ बात करें पाटलिपुत्र पटना दोस्तों अपडेट के अतिथि सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की मिली स्वीकृति। बहुत जल्द देख पा रहे वैकेंसी निकलने वाली है गेस्ट फैकल्टी की। वही देख पा रहे ऑफिशियल अपडेट बीपीएससी की तरफ से दोस्तों की 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षाओं को लेकर की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है 25 नवंबर से, जो कि चलेगी दोस्तों यहाँ पर लास्ट डेट 20 दिसंबर तक। अब बात करें बीपीएससी के लिए दोस्तों देख पा रहे 67th में जिनका भी दोस्तों प्रीलिम्स निकल गया है तो मेंस एग्जाम के लिए अप्लाई कर दो। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहा है 21 नवंबर से, जो कि कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई करने का 6 दिसंबर को। आपको उसके साथ ही रीट करने का भी ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट आ रही है देख पा रहे हो कन्या उत्थान योजना की तरफ से, क्या आवेदन के लिए 3 दिसंबर से खुलेगा पोर्टल। अप्रैल 2021 के बाद स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को मिलेंगे 50,000 की राशि। दोस्तों अगली बार देख पा रहे पार्टी से पटना तरफ से अपडेट यहाँ पर पीजी सेमेस्टर 2 की जो एग्जाम यहाँ पर स्थगित हुई 19 नवंबर वाली, दोस्तों वो एग्जाम आप सभी के देख पा रहे यहाँ पर दोस्तों 21 नवंबर को होगी। देख पा रहे पीजी सेमेस्टर 2 की देख पा रहे हो 21 से 23 सेशन की प्रथम पाली में 10 से 1 और पीजी सेमेस्टर 3 की 20 से 22 सेशन की 21 नवंबर को ही 2 से 5 सेकेंड पाली में। दोस्तों इसी साथ अभी लिखा है भागलपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से नए सत्र में नामांकन की गड़बड़ी रोकने के लिए वीवी कर रही तैयारी। टीएमबीयू बनाएगा सुविधा केंद्र, छात्रों के नामांकन व रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक्सपर्ट बढ़ेंगे। अब दोस्तों अगली बार देख पा रहे हैं यहाँ पर तिलकान जी भागलपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से कि देख पा रहे हो यहाँ पे एमसीए के तीसरे सेमेस्टर 19 से 22 के ओल्ड कोर्स की परीक्षा 23 नवंबर से शुरू होगी। परीक्षा पीजी गणित विभाग में सुबह 11 बजे से होगी। दोस्तों जो कि एग्जाम आप सभी के देख पा रहे हो 5 दिसंबर तक चलेगी। और वही बात करें बिहार बोर्ड तरफ से डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई। देख पा रहे हो 23 नवंबर तक यहाँ पर एडमिशन आप करा सकते हो। दोस्तों अगली बात करें यहाँ पे ललिता मेहता यूनिवर्सिटी से अपडेट देख पा रहे हो कि डी डी ई के सत्रांत परीक्षा देख पा रहे हो 2022 के लिए यहाँ पे सेंटर लिस्ट दोस्तों जारी कर दी गई है। उधर बात करें दोस्तों ये देख पा रहे हो ललिता मेहता यूनिवर्सिटी दूसरी अपडेट की एल एल बी की परीक्षा के लिए देख पा रहे हो 23 नवंबर तक आप परीक्षा फॉर्म भर सकते हो। और बात करें बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा दोस्तों यहाँ पर 22 नवंबर से शुरू होने वाली है। बी फार्मा दोस्तों देख पा रहे हो यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा। दोस्तों बात कर लीजिए प्रोफेसर का 48 पोस्ट निकला दोस्तों यहाँ पे लास्ट अप्लाई कर सकते हो 26 नवंबर तक। उधर बात कर असिस्टेंट प्रोफेसर का 49 पोस्ट है, लास्ट अप्लाई करने का देख पा रहे हो 6 दिसंबर तक है। जूनियर डेटा एंट्री ऑपरेटर का 139 पोस्ट दोस्तों है, लास्ट 30 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हो। कोचिन सीपीआर लिमिटेड में देख पा रहे हो 3 पोस्ट यहाँ पर, लास्ट 30 नवंबर तक अप्लाई करने का। दोस्तों अगर इकलौती संतान है आपके पास तो देख पा रहे हो सीबीएसई देगा स्कॉलरशिप, लास्ट 30 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हो।
दोस्तों बात कर देख पर सबसे पहले यहाँ पे मगध सीट अपडेट है। मगध सीट देख पर शिक्षा व्यवस्था चर्चा आ गई है। देख पर दोस्तों यहाँ पर नवंबर में दोस्तों एग्जाम होने वाले थे, वो भी एग्जाम दोस्तों नहीं शुरू हुई। दोस्तों मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से अपडेट देख पर यहाँ पे स्नातक पार्ट टू कला संकाय सेक्शन 19 से 22 का दोस्तों परीक्षाफल प्रकाशित हो गया। उधर बात करते हैं वैसे छात्र जिन्होंने स्क्रूटनी के लिए आवेदन किया था, वे स्टूडेंट पोर्टल पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। उधर मुंबई की दूसरी अपडेट 16 नवंबर से स्नातक पार्ट 1 17 22 से 25 के लिए दोबारा और 10 पोर्टामल का प्रक्रिया दोस्तों यहाँ पर समाप्त हो गई जो कि शुरू थी। बी फार्मेशन का दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हो डेट समाप्त हुई जो कि दोस्तों आज लास्ट डेट है। दोस्तों पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दोस्तों अपडेट देख पा रहे, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का आवेदन करवाने का निर्देश, आवेदन के लिए 5 दिसंबर तक का समय। देख पर एग्जामिनर 22 दिसंबर तक करा सकते रजिस्ट्रेशन, देश के विभिन्न शहरों में 25 दिसंबर को होगी फिजी टैलेंट रिवार्ड परीक्षा। उधर बात कर दोस्तों देख पा रहे यहाँ पर आपको बी सी सी तरफ से अपडेट देख पा रहे यहाँ पे दोस्तों पारा मेडिकल और देख पा रहे फार्मेसी में यहाँ पे दोस्तों लैटरल एंट्री ऑनलाइन ऑफलाइन काउंसलिंग शुरू हुई। दोस्तों जे पी से अपडेट देख पा रहे हैं 75% अटेंडेंस नहीं, 99% पीजी छात्र नहीं भर सके परीक्षा फॉर्म। देख पर आज 25 तक यहाँ पर देख पा रहे दोस्तों भर सकते हैं फॉर्म 20 से 22 सेशन का। वही बात करें तिलक भागपुर यूनिवर्सिटी में बीएड व एमएड व पात्रता की देख पा रही होगी अब पढ़ाई। उधर टीएमबी यूनिवर्सिटी में गर्ल्स हॉस्टल 1 में दाखिले के लिए चयन सूची जारी हुई। वही बात करते हैं जेपी छात्र सब दोस्तों के स्नातक फाइनल 2021 और स्नातक विशेष 2021 में वैसे परीक्षार्थी जो किसी कारणवश थ्योरी के पेपर में शामिल नहीं हो पाए थे मगर प्रैक्टिकल परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह गए, उनकी समस्या को देखते हुए जेपी यूनिवर्सिटी ने उन्हें अंतिम अवसर प्रदान किया। देख पर प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए दिया गया दोस्तों अंतिम मौका 21 से 24 तक होगा। वही देख पा दोस्तों 60 सीटों पर होना है एडमिशन, राजभवन से ऑर्डिनेंस एनसीटी से नहीं मिली स्वीकृति, बीपीएड कोर्स शुरू नहीं हो पाई लता मेहता यूनिवर्सिटी में। उधर देख पा रहे डीडी की ओर से दोस्तों 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार दोस्तों यहाँ पे कल से होगा। एलएलबी का परीक्षा फॉर्म दोस्तों देख पा रहे यहाँ पर पार्ट फर्स्ट का 23 नवंबर तक भर सकते हैं। वही बात करें बीपीएससी की व्याख्या बहाली का साक्षात्कार 24 से 27 नवंबर तक होगा। देख पा रहे मुंगेर यूनिवर्सिटी ने अतिथि शिक्षकों की दोस्तों सूची जारी की। फिर मुंगे से दोस्तों अगली बार देख पा रहे स्नातक पार्ट में 17 22 से 25 में नामांकन को लेकर देख पा रहे 16 नवंबर से दोबारा आरंभ की स्नातक प्रक्रिया शुरू हुई। और 10 पोर्ट नामांकन में 225 विद्यार्थियों ने लिया एडमिशन, कक्षा 21 नवंबर से शुरू पीजी सेमेस्टर 1 की भी। और दोस्तों बात करें इग्नू तरफ से अपडेट, ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा समय पे की मांग की जा रही है। तो ये थी दोस्तों आज के एजुकेशन अपडेट्स। वीडियो पर वीडियो को लाइक करें, इस तरह का अपडेट डेली पाने के लिए आप सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद वंदे मातरम।